उत्तराखंड बंद है तो आप लोगों को मालूम ही होगा, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। एक भी जा रहे हैं हम मार्केट की ओर और आज मनीष भैया बहुत दिनों बाद हमारे घर पे आए पहली बार। Hey guys, so good morning and welcome to my another blog and I hope guys आप सब स्वस्थ होंगे, अपन भी एकदम मस्त है। तो guys अभी सुबह के बज रहे 7, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग रोहित के घर से। रोहित अभी सुरख है अंदर, तभी मैं उठ गया था, वो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर। तो अभी आगे का लोकेशन आपको दिखेगा, बहुत सारी बेल लग रही है आजकल, तोरी और टैड तोरी जाता है और भिंडी वगैरह, छोटे छोटे पेड़ हैं और एक दो पपीते के पेड़ भी हैं। तो आजकल हरियाली हरियाली दिख रहा है हर किसी के घर के आगे, लेफ्ट राइट जहाँ भी देखो, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो इस वजह से सब हरा भरा दिख रहा है। तो गाइस अभी चलते घर की ओर, इसको उठा लेता हूँ मैं पहले। हाँ खरूड़ फ्रावड मैं जान नहीं, तो चलते गाइस अभी। तो अभी जा रहे गाइस अपन घर की ओर, तो जस्ट पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, होगा 200 मीटर समथिंग ऐसे होगा, 250 मीटर। और ये सामने देखो हमारा गांव ऐसे दिख रहा है, आजकल पेड़ पेड़ और खेत तो इस वजह से दिखता कम है। तो ये रहा सामने का लोकेशन और गाइस यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना घर का नज़ारा। तो ये यहाँ पे बिकम चाचा और के खेत है, तो इन पर धान वगैरह आजकल, तो इन्होंने इस बार इन्होंने डाले रोपाई बस, और किसी ने नहीं रोपाई की। और यहाँ पे हमारे ताऊ जी के घर है, फिर उसके बाद सारे अपने चाचा ताऊ के घर हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया ऊपर वाला गांव और ये कैंप के लिए अभी सेटअप बन रहा है यहाँ पे। और गाइज अब जो है धूप भी आ चुकी है, तो अभी जाते फिर नहाते वगैरह, फिर आज शायद सामान नहीं है घर में, तो कुछ सामान लेने ऋषिकेश भी जाना पड़ सकता है अगर टाइम मिलेगा तो, तभी वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा। और पीछे का नज़ारा देखिए आप, ये हमारा गांव जो कि आपको ज़्यादातर मैं दिखाते रहता हूँ, और उस साइड ना भी कोहरा लगा हुआ, देखो उस साइड बादल भी लगे हुए, तो कल रात को भी गिरे थे बूंदा बांदी, क्योंकि अभी नवरात्र चलते इस वजह से तो बारिश होनी है ये समझ लो, तो नवरात्र के बाद ही शायद बारिश बंद हो। तो आजकल गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही, क्योंकि धूप ही इतने तेज़ पड़ रही कि गर्मी तो ऑब्वियसली होना बनता है। फिर गाइस ऊपर गांव में हमारे चाचा के लड़के की शादी है चंडीगढ़ में, तो अभी प्लान बन रहा है वहाँ जाने का, तो मिलेंगे फिर वहीं पे, तो आपको ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे चंडीगढ़ शादी में। तो वो लोग रहते चंडीगढ़, तो वहीं पे शादी होगी और वहीं पे आपको मैं मिलवाऊंगा अपने उस वाले ब्लॉग में। तब के लिए गाइज आप ये इन्जॉय कीजिए गांव वाला नज़ारा, और जिसको अपने गांव के याद आती होगी अपना गांव इधर देख के फील कर सकता है। और गाइज अभी बाहर बोटो पे राफ्ट पे नंबर नाम जो वो लिख रहा है, क्योंकि मिट गया था वो, तो उसको फिर से लिखवा रहे हैं अभी। तो अभी हो चला है दिन का वक्त 11:47, तो जब तक वो होता है, कल तो शायद 15 उत्तराखंड आंदोलन जो अंकिता हत्याकांड हुआ था उस वजह से बहुत बुरा हुआ, तो यही चाहते हैं हम लोग कि उसके साथ इंसाफ हो। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं और अभी तक तो कोई भी उत्तराखंड सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है आरोपियों के खिलाफ, तो गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इतना रूल्स बनाने में इतना झिझकती है। जो रूल्स बनेंगे सबके लिए बनेंगे, चाहे वो नेता का लोग हो चाहे कोई आम आदमी हो, सबके लिए सेम होना चाहिए। तो बस यही बोलना चाह रहा था मैं। और गाइज अभी पहुँच चुके घर और हल्के हल्के बारिश की बूंदें भी गिरना स्टार्ट हो चुके हैं,
हल्की नहीं, अब तो बैंक वाले गिरने वाले थे, हम लोग जा रहे थे ऋषिकेश, बाद में रुकना था रोहित के घर पे। भाई भैंकर भैंकर बूंदे गिरने देख, ये बार ऐसी ऐसी नहीं, अगर गिर गिने एक बार एक ही बार गिरती है, तब तो ये कोई दिक्कत नहीं, सब सब चले जाएंगे। ये हमारे तोरी की बेल, इस पे तोरी लगी थी सुबह, कहाँ गए होंगे हैं, बांधना तो नहीं खाए नू। यहाँ पे बना मौसम बड़ा खतरनाक भयंकर। सो गाइस अभी चलते, बारिश तो हल्की हल्की हो रही है, बट थोड़ा सामान वगैरह भी और इसको जाना था, तो बोल चल इसी केस सुबह आ जाएंगे बोल, तो चलते अभी जल्दी से। और गाइस अभी रोहित चलाएगा बाइक, अबे चल ले भाई जल्दी चल स्टार्ट कर, अगर बारिश तेज आई तो बहुत खतरनाक वाला सीन हो जाएगा। सो गाइस अभी रोहित आ रहा है पीछे से, तो बाइक वही चलाएगा और मैं वीडियो व्लॉग शूट करूंगा। तो बारिश भी लग चुकी है, वैसे इसके जिद्द हो रही है, चल 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 ऋषिकेश। इसका क्या है कि मम्मी और सब नीचे है ऋषिकेश में, और ये घर पे, ये इधर, तो कपड़े वगैरह भी लेके आने मेरे को बोल। और कल वैसे भी उत्तराखंड बंद है, तो आप लोगों को मालूम ही होगा, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा एक लड़की को, एक बहन को इंसाफ दिलाने में, तो हम लोग भी कोशिश कर ही रहे हैं। सो चल भाई अब जल्दी से, मौसम देखो इधर। एंड गाइस अभी लिटरली अंधेरा भी होने वाला है, जब तक हम ऋषिकेश पहुंचेंगे तब तक तो अंधेरा हो ही जाएगा। तो ये अभी हम लोग अपने घर से जस्ट थोड़ा सा आगे पे हैं, तो जहाँ पे रेलवे का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो आप लोगों को पता होगा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेशन रहेगा शिवपुरी में, तो ऋषिकेश से जस्ट 16 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। तो चलते गाइस, यहाँ पे अभी लाइट ऑन हो चुके हैं, तो एकदम ऐसा लग रहा है उजाला उजाला। तो ये रहा आगे का नज़ारा, आप देख रहे हैं अभी कि ये ट्रैफिक जो है क्यों लग रहा है, क्योंकि आजकल जो सड़कें हैं बहुत टूट रखी है बारिश के वजह से, और जबकि ये नेशनल हाईवे है, इस पर जल्दी से जल्दी वैसे काम होना चाहिए, बट पता नहीं क्यों इतना ढील छोड़ के रखते हैं कि इस सड़क को ठीक करने में भी इतना टाइम लग जाता है, नेशनल हाईवे, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए कुछ उत्तराखंड सरकार को। क्या भयंकर जाम लगा रहा है गाइस, अभी हम पहुंचे हैं तपोवन, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। इतने गड्ढे हो रहे हैं सड़क पे भाई, गाइस जो ट्रैफिक हमें मिला है तपोवन से जस्ट पीछे, और अभी हम राम झूला पहुंच चुके हैं और अभी तक ट्रैफिक, और यहाँ पे बहुत भयंकर वाली बारिश भी हुई है, क्योंकि सड़कें पूरी गीली हो चुकी हैं। और गाइस अभी हम पहुंचे हैं कैलाश गेट, तो यहाँ तक भी हमें ट्रैफिक मिल ही रहा है अभी तक, तो आज पता नहीं किस वजह से, वैसे आज वीकेंड भी है, तो वीकेंड में इतना ट्रैफिक तो नहीं होना चाहिए, बट बहुत ही ज़्यादा लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रोहित के घर के बाहर, यहाँ से जस्ट 3 या 4 घर छोड़ने के बाद, तो ये आ गया गेट। तो पुकारे तेरी परछाइयां,
रे कबीरा। अबे सुन ले, मेरे उतार दे यार। तू भी तो उतार रहा है, तू मत उतार। क्यों, मैं क्या बामन हूँ? मैं बामन ही समझ ले अपने आप को। अबे सब गायब होने। हाय, नमस्ते। नमस्ते। और क्या हो रहा है? ठीक है, बस क्यों बरखा होनी है रिस्की है। मैं बड़ा दो चार बूंद पड़ी ना, बेवाल लगी नहीं बरखा। सो गाइस, अभी अपन पहुंच चुके हैं रोहित के घर में। 7 बजे लो निकल एकदम सर, 6 बजे बाद रहे ट्रैफिक दे लगे भयंकर। अभी जाएंगे हम मार्केट, तो सामान वगैरह खरीदेंगे, उसके बाद और अभी मनीष भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे घर में और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। लाल मेरी चाय बन रही है अभी और मम्मी किचन में। लाल मनीष भैया अभी चाय पिएगा लेकिन अभी फोन पिलाएगी तो हम पी लेंगे। और आज मनीष भैया बहुत दिनों बाद हमारे घर पे आए, पहली बार नहीं, परसों भी आए थे एक दिन, पहली बार नाइट को। तुम शादी में थे? नाइट को बोल रही हूँ मैं। पहली बार नहीं, ये आया था 2019 में, उस दिन से आज आ रहे हैं। आज नहीं, उस टाइम तो हम नीचे वाले फ्लोर में रहते थे। एक दीवार और आए पर दिन दिन आए। और मालना थोड़ा जोर से बोल। मनीष भैया चाय की चुस्की लेते हुए। वाह 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 वाह, अभी तो हमने चाय पी भी नहीं, चुस्की मार भी नहीं। ले रहा था तो फिर तो चुप हो गया। और गाइस अभी जा रहे हैं हम मार्केट की ओर, तो सामान वगैरह खरीदेंगे क्योंकि कल उत्तराखंड बंद है, तो उस वजह से। तो चलते जल्दी से, अभी 7 बज रहे हैं, 7:20। घस घस करते थे ना, अंकल जी आलू कैसे दे रहे हैं? एक मिनट, नहीं वो नहीं चाहिए मेरे को, यही कर दो आप एक धड़ी। और प्याज कैसे दिए? सेम है दोनों। तो गाइस अभी सब्जी वगैरह एवरीथिंग जो भी था ले लिया है, अब चलते हैं जल्दी से। तो गाइस ये रहा रात का नज़ारा ऋषिकेश सब्जी मंडी का। तो आज ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला आते वक्त, और सड़कें भी टूटी फूटी। अरे और गाइस अभी अपन एटीएम से भी आ चुके हैं, तो कैश नहीं था, तो कहीं कहीं पे कैश की जरूरत पड़ जाती है। हाँ ब्रो, व्हाट यू से? मूवी देखने? आई डोंट वांट गो मैन, मूवी देखने का टाइम नहीं है। और गाइस अभी जा रहे हैं वापस रूम पे, सामान वगैरह ले लिया। और आजकल गाइस नवरात्रे चल रहे और यहाँ पे जो है आजकल रामलीला भी चल रही है ऋषिकेश में, तो देखते हैं अगर बाद में टाइम मिलेगा तो। वैसे चाची बोल तो रही थी कि रामलीला देखने जाएंगे, बट चलते पहले रूम पे। और गाइस यहाँ पे चल रहा है रामलीला, इस जगह पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी कहाँ स्टार्ट होगा यार, अभी तो लोग खाना खा के आएंगे बाद में आराम से, 8:30-9 स्टार्ट होगा। और गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं इधर, और इसकी क्या बोले लूडो खेलते हैं बस।
लूडो खेलेगी? आज फिर इधर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे खेलेंगे दोनों भाई। और यहाँ पे मनीष भैया हार मैं जीत चुका हूँ, हार चुका है मुझसे। गाइज आप खाते हैं खाना, टाइम 9 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, तो पहले खा लेते खाना। गाइज अभी खाना वगैरह भी खा लिया और बगल में रामलीला चल रहा है इधर ही चंद्र बागा पुल पे, तो चलते हैं जल्दी से फिर दिखाते हैं आपको। हम लोग जब प्रभु को याद करते बस कुछ क्षण और हैं। और गाइज अभी हम आ चुके हैं वहां से वापस, तो रामलीला होने में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी, तो सारे उधर नीचे बैठने का जो भी था चेयर वगैरह सारे वो गीले पड़े थे, तो फिर बहुत टाइम लग गया, 10 बज गया था। तो फिर हम वापस आ गए, थोड़ा बहुत देखा, आपने भी देख लिया होगा। अब है ब्लॉग को एंड करने की बारी, सो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट,